हे गाइस, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग बढ़िया होंगे। गाइस, आप भी कुछ इस पावर का ट्रेंडिंग स्टेटस क्रिएट करना चाहते हो तो गाइस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखना। तो गाइस, कुछ इस पावर का एडिटिंग करने के लिए एलाइट मोशन ऐप की जरूरत है, तो आपके पास एलाइट मोशन ऐप नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एलाइट मोशन ऐप का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से सिंपली से डाउनलोड कर लेंगे। चले गाइस, बढ़ते एडिटिंग की तरफ। जाने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लान पर क्लिक करके 9 to 16 साइज के एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। फिर क्या करना है, यहाँ से आपको प्लान पर क्लिक करना है, मीडिया भेजना है, यहाँ से अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है। तो फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद एक फोटो यहाँ से चूज कर लेना है, ऊपर थ्री डॉट पर जाकर फिल कंपोजिशन एरिया करना है, सीआर आइकन पर क्लिक करना है, करंट फ्रेम पेन जी पर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना है। कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर 5 फोटो को 9 to 16 साइज यहाँ से कर लेना है। तो गाइस, यहाँ से 5 फोटो को 9 to 16 साइज यहाँ से करने के बाद आपको बैग जाना है। बैग जाके आपको यहाँ पर सॉन्ग बीट मार पे चले जाना है। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी रेडी करके रखा है, तो आपको यहाँ पर एलाइट मोशन पे इनपुट कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से आपको सॉन्ग लेयर पे हिसाब के आपको फोटो को ऐड करना है, उस फोटो को जिस फोटो का आपको 5 फोटो को 9 to 16 साइज की हो। ठीक है, तो पहले आपको यहाँ पर लेयर पे आ जाना है। तो यह लिरिक्स है, तो इस पर आपको इनपुट करने पर मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पर लिरिक्स यहाँ पर लेयर दिखाते हैं, और लेयर में आपको एक करके ऐसे फोटो ऐड करना है। तो फर्स्ट जो लेयर है इस पर टैप करना है, कलर फिल पर रहना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना है, यहाँ से आप लोगों को एलाइन मोशन के सिलेक्ट करना है, क्योंकि एलाइन मोशन से इनपुट की होते हैं एलाइन मोशन में मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पर एक फोटो यहाँ से चूज कर लेना है, ऊपर प्लान पर क्लिक करके ऐड कर लेना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट जो लेयर है उस पर भी टैप करना है, कलर फिल पर रहना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना है, उसी फोटो को यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से प्लान पर क्लिक करके ऐड कर लेना है। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पर आगे डबल मिरर दिखाएगा, डबल मिरर से आपको क्या करना है, फोटो को चेंज कर लेना है। तो यहाँ पर सेम तरीके से लेयर पर टाइप करना है, कलर फिल पर आना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना है, यहाँ से आप लोगों को एक अलग फोटो यहाँ से ले लेना है, और यहाँ से प्लान पर क्लिक करके ऐड कर लेना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट जो लेयर है उस पर टाइप करना है, कलर फिल पर आना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना है, उसी फोटो को सिलेक्ट करके प्लान पर क्लिक करके ऐड कर लेना। ठीक है, फिर आगे जो लेयर है सेम तरीके से कलर फिल पर आना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना है, उस फोटो को सिलेक्ट करके प्लान पर क्लिक करके ऐड कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, आगे डबल मैक दिखाई देगा, तो डबल मैक से आपको फोटो को चेंज करते ही जाना है। तो यहाँ पर देखते हैं डबल मैक है, फिर आपको आगे यहाँ पर और एक डबल मैक दिखाई देगा, तो फिर आगे डबल मैक दिखाई देगा, तो डबल मैक से आपको फोटो को चेंज करना, टोटल यहाँ पर 5 फोटो यूज होगा। ठीक है, तो सिंपली आपको लेयर पे टाइप करना है, कलर फिल पे आना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना है, एक अलग फोटो चूज करना है, और यहाँ से ऐड कर लेना। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर फोटो ऐड करने के और एक तरीका आप लोगों को बता देता हूँ, एक ही बार में 3 लेयर में आपको फोटो ऐड हो जाएगा। तो क्लियर तरीका है कि आपको प्लान पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है, एक फोटो यहाँ से चूज कर लेना है। तो चूज करने के बाद क्या करना है, इस आइकन पर क्लिक करके फोटो को कॉपी करना है, फिर डिलीट कर देना है। तो फिर डिलीट करने के बाद इस 3 लेयर को सिलेक्ट करना है, सिर्फ 3 लेयर को, डबल मैक से आगे इस डबल मैक से इधर 3 लेयर को आपको सिलेक्ट करना है। फिर इस आइकन पर क्लिक करके पेस्ट स्टाइल पर जाके इस 4 को आपको अनटिक कर देना है, इस 4 को आपको अनटिक करने के बाद आपको पेस्ट कर देना है। तो एक ही बार में आपको यहाँ पर फोटो ऐड हो गया। तो आपको 2 तरीके बताया, आपको जब भी मन करे आप अपने वीडियो में अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से प्लान पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है, और एक वोटर पीएनजी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो आपको सिर्फ उसको यहाँ पर ऐड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर टैप कर देना है, और यहाँ से वीडियो को इन तक आ जाना है, इस अकाउंट पर क्लिक करके उसको ले आना है, बस इतना ही। इसी अकाउंट पर क्लिक करो और वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, गाइस आप हमारे चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चले गए, मिलते हैं अगली वीडियो में।